महाबाहु ग्रुप ओडिशा तथा बालीचंद्रपुर थाना मिलित सहयोग में कोरोना संवेदनशील सचेतना कार्यक्रम बालीचंद्रपुर ठारे अनुष्ठित हुए। अंबानिया ठारु 20,000 आदाय कला बड़चणा पुलिस। संयुक्तांक पाई सरकारी योजना सात सपन। वैष्णव चरण सामलक श्रद्धाजलि सभा और स्वेच्छाकृत रक्तदान शिविर बड़चणा ब्लॉक अंतर्गत पलाई पंचायत ठारे अनुष्ठित हो। नुआनिया भंगा ददरा चाल छपर घरे अति दयनीय भाव जीवन बिताऊंटी विधवा बुढ़ीमा और तार पु एमती एक दृश्य देखा मिली। जाजपुर जिला बड़चणा ब्लक बड़चणा ग्राम से दिन में खरा और राति तारा भंगा ददरा चाल छपर घरे दिन काटुंट संयुक्त बेहरा और तांको पुओ काल बैशाखी बर्षार घरे जुआर भांगुची बर्षा पा भंगा घरे जीवन को बाजी लगाई पड़ विधवा बुढ़ीमा आउ पुओ दिने खाइले दुई ओली उपास बापा मृत्यु पर पुओ मूल मजूरी आनी जहाँ आने दुखे कष्ट माँ पुओ चलती कोरोना महामारी आउ मूल मजूरी मिलना जहाँफल एवर्ष घर खंडिक छाउणी हो पारा सरकार माड़माड़ योजना एम सात सपन पलटि घर खंडिए बारंबार सरपंच विडीओ और जिलापाल जनइले कि लाभ मिलनी मिली खाली मिछ प्रतिश्रुति तेज देखा रहा केबे सरकार दृष्टि यही गरीब परिवार उपरे पड़ुछि और तांकु घर खंडे मिलुछि। जाजपुर जिला बड़चणारु विभु प्रसाद महारणा रिपोर्ट बीटीवी न्यूज। जाजपुर जिला बड़चणा थाना पक्षर खईरा पोल निकट में कोरोना कटकणा को दृष्टि रखी हेलमेट और मास्क चेकिंग समय समुदाय 20,500 टंका आदाय कर एही चेकिंग खबर पाई अनेक गलाबाट दे पलायार देखा मिलता। जाजपुर प्रद्युम्न कुमार ओछांग रिपोर्ट बीटीवी न्यूज। महाबाहु ग्रुप ओडिशा तथा बालीचंद्रपुर थाना मिलित सहयोग में कोरोना संवेदनशील सचेतना कार्यक्रम बालीचंद्रपुर थाना पाखरु आरंभ कर साहसपुर महाविद्यालय पर्यंत परिक्रमा कर साधारण लोक ब्यांक व्यवसायी बंधु तथा ग्राहक पोस्टाल इत्यादि स्थान मानक मास्क प्रदान तथा पोस्टर मारी प्रत्येक दोकान जनगहली स्थान मानक सचेतनार बार्ता प्रदान कार्यक्रम थानार समस्त कर्मचारी और महाबाहु ग्रुप ओडिशार उपस्थित थे। महाबाहु ग्रुप ओडिशार यही महान कार्यपाई बालीचंद्रपुर प्रेस क्लब स्पाइडर क्लब माँ बुढ़ी जगुलाई ड्रामाटिक पतराजपुर ओलाशुणी प्रचार प्रसार कमिटी गीता प्रचार प्रसार समिति बालीचंद्रपुर वेब मीडिया संघ पक्षर महाबाहु सामाजिक संगठन को धन्यवाद जनाई। महागर जयंत महाराणी रिपोर्ट बीटीवी न्यूज। बड़चणा ब्लॉक अंतर्गत पलाई पंचायतस्थ मंगुली मठ परिसर में समाजसेवी स्वर्गत वैष्णव चरण सामल प्रथम वार्षिक श्राद्ध अवसर में स्वेच्छाकृत रक्तदान शिविर अनुष्ठित हो शिविर में 73 यूनिट रक्त संग्रहित होइथिबार जनापड़ी। एक रक्तदान शिविर में स्पेशल रेड क्रॉस डाक्टर सुधांशु शेखर साहू संदीप स्वाई शरत ओझा प्रसन्न स्वाई संजय पात्र पीपी मुदुली प्रमुख उपस्थित रही रक्त संग्रह करते वैष्णव चरण स्मृति संसद पक्षर् सुमंत सामल विक्रम केशरी प्रधान अशोक सामल अशोक महाराणा उत्कल केशरी सामल नीरज सामल सभापति जसदीप्त सामल संपादक अक्षय कुमार सामल प्रमुख रक्तदान शिविर को परिचालना करते अन्य अमीय साहाणी प्रभाकर मल्लिक डांगू दलई शरत नायक रंजन सिंह प्रमुख सहयोग करते वैष्णव चरण स्मृति संसद पक्षर् अपराह्न गोबरी निकटस्थ माँ ओलाशुणी पीठ पर्यटन केन्द्र परिसर में कोविड कटका श्रद्धाजलि सभा अशोक कुमार सामल संचालन और संसदर सभापति जसदीप्त सामल अध्यक्षतार आयोजित होता। उक्त सभार पूर्वतन सांसद मोहन जेना जोगदे प्रदीप जाली उत्सव को आनुष्ठानिक भाव उद्घाटन करते श्री जेना कहले गांगी महोत्सव अन्यतम विंधाणी थे स्वर्गत वैष्णव चरण सामल त्याग सामाजिक मूल्यबोध मृत्यु पर भी सदा सर्वदा अमर कर रखी मतव्यक्त करतम सम्मानित अतिथि भाव राज्य बीजेडी नेत्री मनोरमा आचार्य मिशन शक्तिर जिला संपादिका देवजानी प्रधान सुंगुड़ार पूर्वतन सरपंच धीरेन्द्र राउत कोलणगिरीर पूर्वतन सरपंच ज्ञानरंजन साहू प्रमुख जोगदे अवसर में संसद पक्षर् स्मृति स्मृति में बायुधन स्मरणिका को अतिथि माने उन्मोचन करिसेंति। महागर जयंत महाराणा रिपोर्ट बीटीवी न्यूज। समाज सर्वशेष ढड़ा होता दरिद्र दुखी लोकर सेवार से निजी नियोजित करम अंचल सर्वांगीन विकास शिक्षा हो जलसेचन को आरंभ कर
ଆମର ଯେତେ ରହିଛି ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏ ସବୁ କାମରେ ସେ ଆଗ ଭରୁଥିଲେ, ସେ କାମ ସେ ନିଜେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ବି ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରି ଜଣେ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଏ ଯେଉଁ ଆଜି ଆମର ସକାଳୁ ହୋଇଥିଲା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର, 30 ପକେଟ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା। ଏଠି ଆମର ଆଜି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଏବଂ ସ୍ମରଣୀୟତା ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମାଜ ସେବା କରିବ ବା ତାଙ୍କ ପଥ ଅନୁଗମନ କରିବ, ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଆଗଲା। ଭାଇଜାନ ବାବୁ, ଆମ ବଡ଼ଚିହ୍ନର ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟର ମାଲିକ, ସେ ଜଣେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ରାଜନେତା ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସମାଜସେବକ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ ନାଁଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଆମେ ମାଧବ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବୁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ, ସେଟାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗେଇ ନେବୁ। ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାଇଜାନ ବାବୁଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଅଛି, ସେ ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବୁ। ଏତିକି ମୁଁ କହିବି।